students, now I am going to use class 5th mathematics. Prachi publication, it is chapter number 7, decimals, exercise 7.1. In exercise 7.1, the first question is write the expanded form of the given question. You can see total 6 questions are there with us. I am going to explain you question number 1. The question number 1 is 21.005. एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 21.005. यहाँ पर हमने लोअर क्लासेस में सीखा था, उसी तरह से हमें एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट डेसिमल के पहले वाले नंबर उसी तरह से एक्सपांड होंगे जैसे हमने सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड में सीखा था, लेकिन अब डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं या जो डिजिट्स हैं इसको कैसे एक्सपांड करना है ये हमें सीखना है. तो 2 का प्लेस वैल्यू है 2020 प्लस 1 की प्लेस वैल्यू है 1 प्लस डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं इनका एक्सपांड फॉर्म लिखने के लिए जो डेसिमल के फर्स्ट नंबर पे है उसके डिवाइड में हमें 10 यूज़ करना है, जो डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पर है उसके डिवाइड में हमें 100 यूज़ करना है, और जो डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट पर है या थर्ड नंबर पर है उसके डिवाइड में हमें 1000 यूज़ करना है. इस तरह से हमें 10 बढ़ाते जाना है, यानी जो फर्स्ट नंबर पे है उसमें 10, सेकंड नंबर पे 20, थर्ड नंबर पे है तो उसमें 30 अप्लाई करके जाना है. इस तरह से 21.005 का एक्सपांडेड फॉर्म होगा 20 + 1 + 0/10 + 0/100 + 5/1000. इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी एक्सपांडेड फॉर्म में एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास 9.808. 9 वंस प्लेस पे है, 9 एज इट इज प्लस 8/10, 0/100 एंड 8/1000. इस तरह से हमें इसे कंप्लीट करते जाना है. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज 92.543. प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 90 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल 5 इज 5/10 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल 404 इज 4/100 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3/1000. इस तरह से हमें आंसर मिल रहा है 90 + 2 + 5/10 + 4/100 + 3/1000. इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है 98.372. इसका एक्सपांडेड फॉर्म में आपको ओरली बोलकर बता देती हूँ. 90 + 8 + 3/10 + 7/100 + 2/1000. क्वेश्चन नंबर 5 में आपका प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपांडेड फॉर्म 600 + 10 + 6 + 6/10 + 1/100 + 6/1000. और क्वेश्चन नंबर 6 82.609 का एक्सपांडेड फॉर्म है 80 + 2 + 6/10 + 0/100 + 9/1000. इस तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 इजीली कंप्लीट कर सकते हैं. आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा राइट डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 1 से जस्ट अपोजिट करना है. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक्सपांड किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्सपांडेड फॉर्म गिवन है, हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 1s, 6 10s, 2 100s एंड 3 1000s. इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको ये जो टेंथ्स है, टेंथ्स का मतलब है डेसिमल के बाद जो फर्स्ट नंबर है, हंड्रेड्स डेसिमल के बाद सेकंड नंबर, और थाउजेंड मतलब डेसिमल के बाद जो थर्ड नंबर है. तो इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, 6 1s प्लेस पे है यानी डेसिमल के जस्ट पहले, 6 10s, 2 100s, 3 1000s. इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, 6 decimal 6 to 3. इसी को मैं आपको चार्ट के थ्रू भी समझा रही हूँ. जिस तरह मैंने डायरेक्ट लिखा, अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये चार्ट देख के भी समझ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको पहले चार्ट समझा देती हूँ. बीच में डेसिमल होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड होते हैं, और डेसिमल के राइट हैंड साइड पे टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स होते हैं. तो हमें क्वेश्चन किस तरह से दिया है, 6 1s यानी 6 को किस बॉक्स में लिखना है, 1s में. 6 10s यानी टेंथ के बॉक्स में क्या लिखना है, 6. 2 100s यानी 100 के बॉक्स में क्या लिखना है, 2. और 3 1000s, 1000 THS वाला है ना, तो 1000s के बॉक्स में क्या लिखना है, 3. तो इस तरह से आपका आंसर क्या बनता है, 6 decimal 6 to 3.
अब इसी मेथड से मैं आपको क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर टू हमें गिवन है 800s, 3 1s, 4 10s, 2 1000s. पहले हमने चार्ट बना लिया, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10s, 100s and 1000s. ओके, अब हमें फिल करना है. देखिए, हंड्रेड्स बॉक्स में हमें दिया है 8, तो 100 वाला बॉक्स कौन सा है? H वाला. इसमें हम फिल कर देते हैं 8. वंस बॉक्स में 3 है, तो वंस बॉक्स में 3 दे दिया. टेंस बॉक्स में कुछ नहीं दिया है, तो टेंस बॉक्स में आप क्या फिल करेंगे? 0. 4 10s, यानी ये जो 10th का बॉक्स है इसमें क्या फिल करना है? 4. 2 1000s, थाउजेंड्स मतलब ये जो 10,000s वाला बॉक्स है, थाउजेंड्स वाला बॉक्स है, इसमें 2 फिल करना है. 100 THs नहीं दिया है, 100 THs नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे हमें 0 फिल करना है. जो बॉक्स की वैल्यू नहीं दी है वहाँ पे आप 0 फिल कीजिए. इस तरह से आपको आंसर मिलेगा 803.402, 803.402. तो आप चाहें तो जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डायरेक्ट लिखा है, आप इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ पे समझाया था. अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इस मेथड से, तो पहले आप डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिए और जिस बॉक्स की वैल्यू जितनी दी है आप उस बॉक्स में वो वैल्यूज पुट कीजिए, आपको अपना रिक्वायर्ड आंसर मिलता जाएगा. आइए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ. देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 800s, 2 10s, 4 1s, 8000s. यानी हमें हंड्रेड्स बॉक्स में 8 गिवन है, टेंस बॉक्स में 2 गिवन है, वंस बॉक्स में 4 गिवन है, डेसिमल के बाद हमें टेंस बॉक्स में कुछ नहीं दिया है, 100 THs में कुछ नहीं दिया है, और 1000 THs में हमें दिया है 8. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें मिल रहा है 824.008. सेम लाइक दैट वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6. मैं आपको आंसर बता देती हूँ. 200 टेंस बॉक्स में है 5, वंस बॉक्स एम्प्टी है, डेसिमल टेंस बॉक्स एम्प्टी है, 100 THs 9, 1000 THs 5. इन क्वेश्चन नंबर 5, 6 10s, 4 1s, 5 10s, 100 THs 0 और 1000 THs 8. इन क्वेश्चन नंबर 6, 500 टेंस 0 1 0, डेसिमल 1 THs 10 THs 0, 100 THs 5 एंड 1000 THs 5. इस तरह से आप इजीली अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म और एज अ मिक्स्ड नंबर. यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिए हैं, टोटल 15 क्वेश्चन हैं, इन्हें हमें लोएस्ट टर्म में या फिर मिक्स नंबर में लिखना है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13.72. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ 13.72. इस तरह से सॉल्व करना है हमें 13.72 में. सबसे पहले हम इसे टू पार्ट में ब्रेक करेंगे. 13 + 72 को हम लिख सकते हैं 72/100. अब हम 72 और 100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की ट्राई करेंगे. सिंपलेस्ट फॉर्म यानी इसे कैंसिल करेंगे. 2 के टेबल से हम कैंसिल करेंगे 72 को. आप चाहे तो 2 से 72 डिवाइड करके लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्ट कैंसिल करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं. डिवाइड करके कैसे लिखेंगे? देखिए, 2 से आप अगर 72 को डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 2 3 6, 7 - 6 1, डाउन 2, 2 6 12, 0 0. इस तरह से आपको क्या मिला? 36. या फिर आप अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कैसे करते हैं? 2 का टेबल 3 टाइम्स लिया, 6 1, अभी यहाँ 7 है, हम 6 ले चुके हैं, अभी हमारे पास 1 बच रहा है, उस 1 को हम 2 के साथ ऐड करेंगे तो 1 2 12, 2 6 12. इसी तरह से 2 के टेबल से जब आप 100 को कैंसिल करेंगे आपको मिलेगा 50. अब आप देख रहे हैं 36 और 50 दोनों इवन नंबर है, ये फिर से 2 से डिविजिबल है. 2 से जब आप 36 को डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 18, और 2 से जब आप 50 को डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 25. अब 18 और 25 एक
18 इवन नंबर है, 25 ऑड नंबर है, ये दोनों और कैंसिल नहीं हो सकते आगे। तो जब नंबर्स और कैंसिल नहीं हो सकते, इसे बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम इसके आगे और सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो हम 18/25 लिखेंगे। और इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे 13:18/25। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करना सिखा देती हूँ ताकि आपको इसके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 94.07। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल रिमूव करके हम इसे टू पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। 94+07/100, 07 का मतलब होता है 7/100, तो आप इसे लिख सकते हैं 7/100। अब 7 और 100 एक दूसरे से सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 7 और 100 दोनों यूज होते हैं, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख देते हैं 94:7/100, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाता है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 2.253। आइए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसे टू पार्ट में ब्रेक करेंगे, 2+253। अब यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो हम 30 अप्लाई करेंगे, यानी हम 1000 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ भी 253 जो है ऑड नंबर है और नीचे इवन नंबर है, हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 2:253/1000। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 213.87। इसे टू पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, 213 डेसिमल के प्लेस पे प्लस 87, यहाँ 2 डिजिट्स है इसलिए डिवाइड में हम 100 अप्लाई करेंगे। और फिर से आप देख रहे हैं 87 ऑड नंबर है, 100 इवन नंबर है, इसे हम डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 213:87/100। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया है, स्टूडेंट सेम इसी तरह से आप बाकी सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस यही प्रोसेस यूज़ करते जाना है, आपको इजीली सॉल्यूशन मिलते जाएंगे सारे क्वेश्चंस के। आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर है। यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है 7.1 ये कम्प्लीट हो रही है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके।